नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सर्किल में। गुड इवनिंग सभी को। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके UPSI एंड BRSI और ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। आप इसको देखिए और तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके आंसर। देखिए, स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो लगातार आप सभी को मिल सकें और आप उनका लाभ उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? इसका आंसर सी है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। दूसरा क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? उत्तर डी है, लॉर्ड एमरी। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? उत्तर है सी, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? उत्तर है फैजपुर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? उत्तर है बी, 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति को सीट आवंटित की गई थी। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ये है, उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रारूप यानी मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? उत्तर है डी, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है ए, स्वराज पार्टी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? उत्तर है डी, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया? उत्तर है सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उत्तर है डी, लोक कल्याण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 13 क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? उत्तर है बी, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? उत्तर है ए, एक बार हो चुका है। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? उत्तर है डी, पूजा की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया? उत्तर है सी, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? उत्तर है बी, भारत का सबसे बड़ा संविधान है।
भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? उत्तर है बी संविधान सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारा किस देश के संविधान से ली गई है? उत्तर है डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? उत्तर डी है आयरलैंड। देखिए, आयरलैंड से हमको नीति निर्देशक तत्व तो मिले ही हैं, प्लस राष्ट्रपति का चयन एवं राज्यसभा में मनोनयन ये भी हमको आयरलैंड से मिला है राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश से संविधान से लिया गया? उत्तर है बी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित हैं? उत्तर है सी आयरलैंड। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? उत्तर है बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? उत्तर ये भाग नौ, भाग नौ पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? उत्तर है बी भाग चार का में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों को के आवंटन की सूची है? उत्तर है डी चतुर्थ अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? उत्तर है सी 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी सम दिया गया है। देखिए, दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन था, 1885 में तब लाया गया था, तो 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? उत्तर है अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? उत्तर डी मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? उत्तर है बी 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? उत्तर है डी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? उत्तर है सी 317, आर्टिकल 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? उत्तर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? उत्तर है डी 249। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? उत्तर है बी 1956 में। देखिए, सबसे पहला पुनर्गठन में आंध्र प्रदेश राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? उत्तर है ए एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? उत्तर है सी संसद। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? उत्तर है ए सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? उत्तर है सी न्यायपालिका। न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? उत्तर है ए आर्टिकल 19।
ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? उत्तर है बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्नांकित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? उत्तर है डी, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? उत्तर है विधिक अधिकार। देखिए, पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन अब ये विधिक अधिकार हो गया है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटा दिया गया है, आर्टिकल 31 से हट के ये अब आर्टिकल 300A में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पर्शता का अनुमोदन करता है और किसी भी रूम में इसके व्यवहार का निषेध करता है? ये आर्टिकल 17 है। नेक्स्ट, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? उत्तर है डी, गोलकनाथ की मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? उत्तर है बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? उत्तर है बी, कुछ का हनन हो सकता है। 50 क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? उत्तर है ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? उत्तर है 14 वर्ष तक के आयु के लिए बच्चों के। 52 क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? उत्तर है बी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? उत्तर है डी, स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? उत्तर है ए, 4। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? उत्तर है ए, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? उत्तर है सी, 51 का, आर्टिकल 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? उत्तर है बी, 6 माह। 6 माह से ज़्यादा अधिक समय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? उत्तर है सी, संसद का संयुक्त सत्र। देखिए, संसद का संयुक्त सत्र ये राष्ट्रपति बुला सकता है कभी भी। 59, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? उत्तर है बी, 2 बार। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में लगभग सब आए हुए क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, UPSI एंड BRSI के लिए और ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, तो आप इनको बिल्कुल रट्टा मान लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित हैं? उत्तर है ये, राष्ट्रपति में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उत्तर है डी, उच्चतम न्यायालय। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? उत्तर है डी, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन
पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? उत्तर है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। 64 क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? उत्तर है सी 1 वर्ष तक कर सकता है, उसके बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। 65, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? उत्तर है सी डॉक्टर जाकिर हुसैन की। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों नामित किया जा सकता है? उत्तर है ए 14, 14 नामित कर सकता है, 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? उत्तर है सी राष्ट्रपति। 68, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? उत्तर है डी राष्ट्रपति कर सकता है। 69, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश सत्र के शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? उत्तर है बी 6 सप्ताह, अधिकतम है 6 सप्ताह के भीतर इसे दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है, नहीं तो यह भंग हो जाता है। मिनिमम 6 सप्ताह, मैक्सिमम 6 महीने तक होता है 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? उत्तर है ए विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम क्या है? उत्तर है सी 12वां, 12वीं राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? उत्तर है डी राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? उत्तर है सी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? उत्तर है सी 12, अभी बताया था 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेता है? उत्तर है विधान परिषद, डी विधान परिषदें भाग नहीं लेती। देखिए विधान परिषदें 7 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, 7 राज्यों में हैं विधान परिषदें जो कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? उत्तर है सी सर्वोच्च न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? उत्तर है डी केवल राज्यसभा में। 78 क्वेश्चन, किसने ने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? उत्तर है ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 79, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे? उत्तर है सी संसद को। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किया जा सकते हैं? ये देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, उत्तर है बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? उत्तर है ए दिल्ली व पांडुचेरी। देखिए दिल्ली और पांडुचेरी के प्रतिनिधित्व जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इन्हें 17वें संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता सदस्य द्वारा की जा सकती है? उत्तर है बी राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है, यदि उच्च सदन उस पर किसी
किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। उत्तर है 20, 14 दिन। देखिए धन विधेयक के रूप में क्या लोकसभा में ही इसको शुरू किया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, और राज्यसभा के पास जब ये जाता है तब ये इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकती और उसे 14 दिन के अंदर पारित करना ही होता है। अगर ये नहीं पारित करती तो बिल वे स्वयं पारित माना जाता है। ऐसे ही यही कंडीशन राष्ट्रपति के साथ में, अगर राष्ट्रपति के पास जब साइन होने के लिए जाता है धन विधेयक तो राष्ट्रपति भी इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, और अगर वो नहीं लौटाता है, अगर वो नहीं करता है तो 14 दिन के अंदर वो भी पारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? उत्तर है 14 दिन। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रह सकती है? उत्तर है डी 14 दिन। निम्नलिखित में से कौन सा सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य सकता है? उत्तर है बी भारत का उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा मनोनीत करता है? उत्तर है ए 2। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस इसी सन में किया गया था? उत्तर है बी 1972 में। 89 देखते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? उत्तर है सी 7वां व 31वां। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर है उत्तर प्रदेश का। 91 देखते हैं, वर्तमान में किस राज्यसभा का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से हिसाब दूसरा स्थान है? उत्तर है महाराष्ट्र। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर हैं? उत्तर है महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जातियों को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? उत्तर है सी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? उत्तर है बी लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? उत्तर है सी 543। इस समय 545 पर प्रतिनिधित्व है। वैसे लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जो कि 1971 की जनगणना पर आधारित है, जिसे 2001 से बढ़ाकर 2026 तक कर दिया गया है। 552 से कम नहीं हो सकती ना 552 से ज़्यादा। निम्नलिखित लोकसभा में से किसने 5 वर्षों से अधिक अवधि तक कार्य किया है? उत्तर है बी 5वीं। 97, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? उत्तर है 25 वर्ष। 98, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाल लिया था? उत्तर है सी इंदिरा गांधी। 99, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? उत्तर है बी प्रधानमंत्री के पास। 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? उत्तर है बी 6 महीने तक। 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, उसके पश्चात उसे सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, या तो लोकसभा की या राज्यसभा की, तभी वो आगे मंत्री रह सकता है, नहीं तो फिर नहीं सकता। देखिए ये क्वेश्चन थे टॉप 100 कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें सभी लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होंगे। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा ज़्यादा उसे शेयर कीजिए। और शुभ रात्रि सभी को, थैंक यू, धन्यवाद।